दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नए वीडियो में, हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमारी गाड़ी माइलेज अच्छा नहीं दे रही, जितनी कंपनी क्लेम करती है उससे बहुत ज्यादा कम दे रही है, ऐसा होता क्यों है? 90% केस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी मिस्टेक्स होती है, हमारी गलती की वजह से हमारी गाड़ियां माइलेज अच्छा नहीं देती है। सारी चीजें हम वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप बिगिनर है, बिगिनर लेवल से अगर इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुके हो, या मतलब हल्के फुल्के ट्रैफिक में गाड़ी चला लेते हो, आप डेली रूटीन में गाड़ी चला लेते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। कुछ गलतियां आप करते हो जिनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, एयर फिल्टर। दोस्तों अगर हम ड्राइविंग सीख रहे हैं तो हमें कुछ छोटी मोटी बेसिक चीजें इंजन को लेकर के पता होनी चाहिए, जैसे एयर फिल्टर, इंजन ऑयल और उसके बाद ब्रेक ऑयल, कूलेंट, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कब कब और कैसे कैसे हमको इनको मैनेज करना है। तो मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ एयर फिल्टर की। दोस्तों हमारी गाड़ी जब चलती है तो इंजन क्या करता है, बाहर से फ्रेश एयर लेता है और एयर फिल्टर के थ्रू एयर अंदर जाती है, तो एयर फिल्टर क्या करता है, बाहर के जितने भी पार्टिकल्स है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी डस्ट हो जाती है, ठीक है? अब डस्ट बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से एयर प्रॉपर इंजन में नहीं जा पाती है, जिससे इंजन पे लोड पड़ता है। इंजन पे लोड पड़ेगा तो सीधी सी बात है उसमें जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ज्यादा होगा, ऐसे में आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी। अगर आप एयर फिल्टर टाइम टू टाइम चेक नहीं करेंगे, उसको साफ नहीं कराएंगे या चेंज नहीं कराएंगे तो आपकी गाड़ी ऑब्वियसली माइलेज कम देगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है तो आपका एयर फिल्टर चेक करें, अगर उसमें बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है तो उसको साफ करें, और बहुत ज्यादा खराब हो चुका है तो उसको मैकेनिक के पास जाकर के चेंज करवाएं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन और ब्रेक। दोस्तों ये दोनों पेडल क्या होते हैं, शुरुआती दिनों में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलरेट करेंगे फिर ब्रेक करेंगे, सडन ब्रेकिंग करेंगे फिर एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी जल्दी उठाने के लिए। ऐसे में भी दोस्तों इंजन पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि इंजन कभी स्लो चल रहा है कभी एकदम फास्ट चल रहा है, जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है, फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है इंजन में, तो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी माइलेज कम देती है। आपको ये दोनों पेडल्स प्लस क्लच पेडल, ये तीनों पेडल आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ब्रेकिंग करना है तो स्मूथ ब्रेकिंग करें, अगर आपको गाड़ी को स्पीड में लाना है तो स्मूथ तरीके से क्लच को एक्सीलेटर को प्रेस करें, ताकि आपकी गाड़ी एक आइडल स्पीड में आगे बढ़ते जाए। सडन एकदम रेस करोगे फिर ब्रेक लोगे, इसमें क्या होता है इंजन पे लोड आएगा और फ्यूल इफिशियंसी कम हो जाएगी, ऐसे में आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी। तो जब भी आप ड्राइविंग करो तो आप आराम से ड्राइविंग करो, बहुत ही ज्यादा स्पीड में आप एक्सीलरेटर प्रेस मत करो, ना ही ब्रेकिंग करो इतनी जल्दी, आपके माइलेज में काफी फर्क दिखेगा अगर ये प्रैक्टिस आप इस्तेमाल करते हो तो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टायर की हवा। जी हाँ दोस्तों, जब हम ड्राइविंग सीख जाते हैं तो हम सिर्फ ड्राइविंग से मतलब रखते हैं, काफी बहुत सारी चीजें होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं, उसी में से हमारे टायर का प्रेशर है। दोस्तों टायर के प्रेशर का हम ध्यान नहीं देते, बस एक बार डलवा ली तो चल चले जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार हवा आप डलवानी चाहिए, तो आप मैकेनिक के पास जाते हो, वो अपने मन से हवा डाल देता है। टायर की हवा अगर कम रहेगी तो वो दबेगा, दबने की वजह से गाड़ी आगे चलती है तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है इंजन को, जो जमीन रहती है और टायर दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अब ऐसे में इंजन पे लोड आएगा, इंजन पे लोड आएगा तो सीधी सी बात है वो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा तो सीधी सी बात है आपकी गाड़ी का माइलेज कम होगा। तो ये चीज होती है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हर गाड़ी का एक क्राइटेरिया होता है टायर प्रेशर का, 32 PSI से लेकर के 34 PSI तक फोर व्हीलर में रिकमेंडेड होता है। 32 PSI से 34 PSI के बीच में आपको एयर प्रेशर रखना होता है टायरों में। अगर आपको नहीं पता है कि मेरी गाड़ी में कितना करना है, तो आप अपने ड्राइवर साइड का गेट ओपन करेंगे तो वहां पे आपको एक पर्ची दिखेगी, रिकमेंडेड प्रेशर लिखा हुआ रहता है कि 32 है, 34 है या 35 है, उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी के टायरों में हवा डलवाएं। उससे ज्यादा डलवाएंगे तो आपकी गाड़ी बाउंस करेगी, कम डलाएंगे तो आपकी गाड़ी का एवरेज पे असर पड़ेगा। तो रिकमेंडेड प्रेशर पर ही आप अपनी गाड़ी के टायरों में हवा डलवाएं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्पीड। बेसिकली दोस्तों हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम कितनी स्पीड पे हमको गाड़ी चलाना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा माइलेज चाहिए तो एक गियर के पैटर्न के हिसाब से सोचो। फर्स्ट गियर है तो 10 से 20 की स्पीड ले सकते हो आप, सेकेंड गियर है तो 20 से 30 ले सकते हो, थर्ड गियर है तो 30 से 40 ले सकते हो, और फोर्थ गियर हो तो 40 से 50 ले सकते हो, और फिफ्थ गियर में चल रहे हो तो 50 प्लस या 60 पर आप आराम से जा सकते हो। कहीं गाड़ी में सिक्स्थ गियर भी होता है, जिसमें तो बहुत अच्छी बात है, माइलेज काफी अच्छा मिल जाएगा आपको, क्योंकि RPM उस समय कम स्पीड में चल रहे होते हैं। अगर प्रॉपर गियर के हिसाब से आप स्पीड में चलोगे ना
तो आपकी गाड़ी का माइलेज बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा। कई लोग क्या करते हैं 3000 आरपीएम पे चलाते हैं गाड़ी, लोअर गियर में चलते हैं लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा तेज करते हैं, जिससे आपका फ्यूल तो लगातार बर्न हो रहा है ना, क्योंकि इंजन फास्ट चल रहा है लेकिन आपकी स्पीड कम है। स्पीड कम की वजह से आपको लगता है यार मेरी स्पीड कम चल रही है लेकिन माइलेज भी कम दे रहा है, वो गलती यही होती है। आप हाई आरपीएम पे गाड़ी चलाते हो, एक आइडियल स्टेज में आप गाड़ी चलाओगे ना, ज्यादा स्पीड में नहीं चलाओगे। जैसे सपोज करिए आप हाईवे पे चल रहे हो, वहां पे आप, मैं आपको एक आइडियल स्पीड बताता हूँ, आप 80-85 प्लस के आसपास चलोगे ना तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज देगी, और अगर इससे ऊपर जाते हो तो आरपीएम भी बढ़ेंगे, आरपीएम बढ़ेंगे तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा जिससे आपका माइलेज कम होगा। तो इस हिसाब से आप सोचो, गियर की आइडल स्पीड के हिसाब से आप अपनी गाड़ी की स्पीड चलाओगे तो आपका एवरेज अच्छा मिलेगा, आपका गाड़ी परफॉर्म भी अच्छा करेगी। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं गाड़ी ले तो लेते हैं लेकिन उसको रखरखाव नहीं करते, बस धूल खा रही है, बस जब मर्जी होती चलाते हैं फिर गाड़ी लाकर रख देते हैं, कोई एनुअल मेंटेनेंस नहीं, मंथली मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं कराते, बस पड़ी रहती है उनकी गाड़ी। अब ऐसा करोगे तो सीधी सी बात है आपकी गाड़ी माइलेज कैसा देगी। आपको प्रॉपर अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस कराते रहना है, सर्विस सेंटर पे जाते रहना है। रिकमेंडेड होता है कि आप 8,000 से 10,000 किलोमीटर चलने के बाद आप सर्विस सेंटर पे जाएं, अपनी गाड़ी को सर्विस कराएं, जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आप कराएं, उसके बाद ही आप गाड़ी चलाएं, ठीक है। कई लोग हो जाते हैं 20-20,000 किलोमीटर चला लेते हैं, मतलब सर्विस नहीं कराते। अब ऐसे में सीधी सी बात है कि इंजन तो आपका फ्यूल बर्न करेगा ही करेगा और ज्यादा स्पीड से करेगा, तो वहाँ पे आपका माइलेज कम हो जाता है। तो आप अपनी गाड़ी की केयर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराएं, ताकि आपकी माइलेज अच्छा मिलता रहे आपको और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बेहतर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसी का यूज। दोस्तों हमें नहीं पता होता है, बेसिकली अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपको नहीं पता कहाँ पे आपको एसी का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक में चल रहे हैं, गर्मी है, समझता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल आप एसी चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके पास कार, बेसिक सी कार है, आपको माइलेज भी देखना है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी देखना है और आपको महीने भर के खर्चे भी चलाना है, तो उन लोगों के लिए ये टिप है। अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एसी चलाओ। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको चलाना ही पड़ेगा, अगर गर्मी नहीं है जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, यहाँ पे आपको एसी चलाने की जरूरत नहीं, आप कांच खोल के गाड़ी चला सकते हो। अगर ट्रैफिक में आप एसी चलाते हो तो आपकी गाड़ी कम आरपीएम पे चल रही है तो इंजन क्या ज़्यादा लोड लेगा, क्योंकि उसको एसी भी चलाना है और गाड़ी को भी चलाना है, दोनों चीज़ें चलाना है, तो वो लोड ज़्यादा लेगा जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा जिससे आपका माइलेज डाउन होगा। वहीं अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे पे अगर आप चल रहे हो तो कई लोगों का होता है यार कि हाईवे पे चल रहे हैं आपको माइलेज अच्छा चाहिए तो एसी बंद कर दो, कांच खोल दो, लेकिन सेम वही प्रोसेस हो जाती है, आपने एसी तो बंद कर दिया लेकिन एयर आ रही है, आपके एयर क्या करती है, कांच खुले जाते हैं तो ऐसा वेंटिलेशन बन जाता है, आपकी गाड़ी को हवा पीछे धकेल रही है, आपका इंजन आपकी गाड़ी को आगे चला रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, रजिस्ट करते हैं एक दूसरे से दोनों, तो उसमें क्या होता है इंजन पे लोड आता है। हाईवे पे आप चल रहे हो तो आप एसी में चलाओ, अगर एसी नहीं भी चलाना तो कांच बंद करके गाड़ी चलाओ, जिससे आपकी गाड़ी थोड़ा एरोडायनामिक मोड में आ जाएगी और आपकी जो एयर है, सामने से आने वाली हवा है, वो आपकी गाड़ी को काटते हुए पीछे चली जाएगी और आपकी गाड़ी आगे चली जाएगी, जिससे आपकी फ्यूल इफिशियंसी में इम्प्रूवमेंट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, जहाँ पे आपका 10% फ्यूल खर्चा होता है ना वहाँ आपका 7% खर्च होगा, 3% तो बच रहा है, 3% भी बहुत होता है। तो ये सारी टेक्निक्स होती है दोस्तों, आप इस तरह से अपनी गाड़ी को चलाओगे और इस तरह से अपनी गाड़ी का रख रखाव करोगे तो आप मतलब एक स्किल ड्राइवर भी कहलाओगे और आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके चलोगे। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।